हमारी मेहनत का पैसा किसी ने रोक लिया, हमारा पैसा कोई खा गया, हमारा पैसा किसी ने निगल लिया, ऐसा लगता है मानो हाथ से चीज़ें फिसलनी शुरू हो गई। ये शब्द हैं उन लोगों के जिनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में राहु के दुष्प्रभाव जो है वो चंद्रमा पर देखे जाते हैं। हमारी मेहनत का पैसा किसी ने रोक लिया, हमारा पैसा कोई खा गया, हमारा पैसा किसी ने निगल लिया, ऐसा लगता है मानो हाथ से चीज़ें फिसलनी शुरू हो गई। ये शब्द हैं उन लोगों के जिनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में राहु के दुष्प्रभाव जो है वो चंद्रमा पर देखे जाते हैं। और अगर ये योग कुंडली के अंदर नहीं घटित होता तो वास्तु के दृष्टिकोण से आपके घर के वायव्य कोण में आए हुए इम्बैलेंसेस ये योग को जन्म देते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मैं चंद्रमा को पैसे के साथ क्यों जोड़ रहा हूं और क्यों राहु के दुष्प्रभाव जो है चंद्रमा पर आए हुए एक व्यक्ति को गरीबी का योग देते हैं। गरीबी कहने से यहां पे अर्थ है कि एक व्यक्ति के पास पैसा तो आएगा पर वो पैसा कभी भी अपने लिए यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो जब भी ये योग घटित होता है तो इसका सीधा सीधा अर्थ समझ लीजिए कि या तो कुंडली के अंदर राहु के संबंध चंद्रमा के साथ बनते हैं, या राहु और चंद्रमा युति के अंदर हो, या उनका दृष्टि संबंध बनता हो, या नक्षत्र उपनक्षत्र के फॉर्म में वो वहां पर हो, नहीं तो एक भवन के भीतर जो चंद्रमा का स्थान है वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वहां पर आया हुआ राहु का असंतुलन ऐसे योग को जन्म देता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि चंद्रमा को ही मैं पैसे के साथ क्यों जोड़ रहा हूं और क्या कारण है जब भी राहु का प्रभाव चंद्रमा पर आता है तो ये योग क्यों बनता है। ऑकल्ट साइंसेस जो हैं इनको हम कहते हैं साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज। साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज का अर्थ ये है कि जो योग तारामंडल में घटित हो रहा है ठीक वैसा सा योग जब पृथ्वी पर घटित होता है तो उसको हम ग्रहों के रूप में, राशियों के रूप में और नक्षत्रास के रूप में देखते हैं। तो चंद्रमा जो कि पृथ्वी के आसपास बहुत तेजी से विचरण करता है, ये विचरण का जो प्रोसेस है ना ये किसका है, चंद्रमा का। एंड इसको हम क्या कहते हैं कि फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है चंद्रमा। ठीक वैसा ही योग पृथ्वी पर कब घटित होता है, जब पैसे का आदान प्रदान होता है। जो पैसा कल किसी के पास था आज आपके पास है, कल किसी के पास होगा, परसों किसी के पास होगा और ये पैसा फिर सर्कुलेशन में शायद आपके पास आए। तो इसका क्या अर्थ है कि पैसा ठीक चंद्रमा की तरह जो है वो घूमता चला जाता है। जब भी ये पैसा घूमना रुक जाता है ना, यानी कि आपने किसी को सामान दिया और पैसे अटक गए, आपने किसी को उधार दिया पैसे अटक गए, आपने किसी को ट्रस्ट पर पैसे दिए और पैसे अटक गए, ये सारे दुष्प्रभाव कब आते हैं, जब भी चंद्रमा के ऊपर राहु के प्रभाव आ जाते हैं। यानी कि उस व्यक्ति के पास पैसे होने के बावजूद भी व्यक्ति उस पैसे का लाभ नहीं ले पाता। अब ये जानते हैं कि राहु क्या करता है, किस तरह से राहु अपने दुष्प्रभाव चंद्रमा पर डालता है। राहु जो है ना वो भ्रम का कारक है और जब भी ये चंद्रमा के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाता है तो आप उस रिश्ते के साथ भ्रम में आ जाते हैं जिस पर आप एक विश्वास कर करके अपना पैसा जो है वो दे देते हैं। आपने अपना सामान जो है किसी को विश्वास करके दे दिया, अपने प्रोडक्ट्स को किसी को विश्वास करके दे दिया और आप पैसा मार्केट में फंसा बैठे। ये संबंध कब बनते हैं, जब जब भी राहु चंद्रमा पर प्रभाव डालता है। और जानते हैं अगर ये योग कुंडली के अंदर नहीं है तो ये योग कहाँ देखने को मिलेगा, ये योग आपके घर के वायव्य कोण के अंदर देखने को मिलेगा। जब भी वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में राहु के स्वरूप में वहां टॉयलेट सीट आ जाएगी ना, तो व्यक्ति क्या कंप्लेंट करेगा, वो ये कहेगा कि मेरा पैसा किसी ने मार लिया, मेरा पैसा किसी ने रोक लिया, मेरा पैसा कहीं अटक गया और चीजें मानो हाथ से फिसलनी शुरू हो गई। ये योग है जब भी कभी राहु का प्रभाव कहां आ जाता है, चंद्रमा की दिशा पर आ जाता है। मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर इस दिशा को आकाश तत्व का माना जाता है और आकाश तत्व के कारण से इसको बढ़ाने के लिए कुछ वास्तु के कंप्लीट नॉलेज ना होने के कारण से यहाँ पर पृथ्वी तत्व को ऐड कर दिया जाता है। पृथ्वी तत्व को ऐड कर देने से यहाँ पर पैसे का बहाव जो है वो व्यक्ति की जिंदगी में रुकेगा ही। अब ये वायव्य कोण है यानी कि ये एक्चुअल स्थान है वायु की दिशा का और ऊपर से यहाँ पर प्रेजेंस किसकी है, अगर राहु की है
तो वो जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होनी शुरू होगी। तो पहले वास्तु के दृष्टिकोण से टॉयलेट सीट का निदान, और साथ ही साथ में अपने टॉयलेट सीट अगर आपका वायव्य कोण में है तो वहां पर रॉक सॉल्ट का रखा होना कहीं ना कहीं राहु के दुष्प्रभावों को कम करता है। जहां कहीं आपकी टॉयलेट सीट है ना, अगर आप वहां पर उसके ऊपर एक हाथी का चित्र लगा देते हो, ट्रंक उसकी नीचे ही चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, राहु के दुष्प्रभाव जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो वायव्य कोण में आए हुए इम्बैलेंसेस को ठीक कर रही है, कुंडली के अंदर जो राहु के उपचार हैं उसको जरूर कीजिए। एक डिटेल वीडियो मैंने राहु के ऊपर बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो लिंक आपको इस ऊपर दिए हुए आई कार्ड में देखने को मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको राहु कैसे काम करता है किसी की जिंदगी में ये समझ में आएगा। तो ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि राहु आपकी जिंदगी में ना दुष्प्रभावों को ना छोड़े, आप किसी के ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट ना करें, और ट्रस्ट अगर करें भी तो परमात्मा की कृपा से वो व्यक्ति आपके साथ राहु की तरह बिहेव ना करे। इसी मंगल कामना के साथ कि आप सबके घरों में चंद्रमा का भाव जो है वो बना रहे, पैसा निरंतर रूप से जो है वो आता जाता रहे, इसी मंगल कामना के साथ अभी के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।